हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। आज मैं आप सभी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखिए कैसे बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस। जीरा राइस के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी बासमती चावल लिए हैं और उसको मैं पानी में भिगो दूंगी। ये 10 से 15 मिनट के लिए हम भिगो देंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल भी आप देख सकते हैं फूल चुके हैं। अब इनको 2-3 पानी से हम वॉश करेंगे। मैंने एक भगोना गैस पे चढ़ा दिया है, उसको अच्छे से हम पहले गरम कर लेंगे, फिर उसमें एक भर के बड़ा चम्मच हम घी का ऐड करेंगे। जब घी अच्छे से पिघल जाएगा तो उसमें मैं डालूंगी जीरा। जीरा इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, यानी एक चम्मच से ज़्यादा या एक चम्मच भर के भी आप ऐड कर सकते हैं। जीरा अच्छे से चटकने लगा है, इस टाइम पे मैं 3 से 4 कुटी हुई हरी इलायची और 1 से 2 अखा यानी साबुत इलायची इसमें ऐड कर दूंगी और इन्हें एक अच्छा सा स्टर दे देंगे। फिर ये जो चावल हमने वॉश करके रखे थे 2-3 पानी से इसमें मैं ऐड कर दूंगी। जब चावल आप इसमें ऐड कर देंगे तो हल्के हल्के हाथों से 1-2 स्टर इसे देंगे, नहीं तो चावल टूट जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जीरा राइस में अखा चावल, पूरा साबुत चावल बहुत खूबसूरत लगता है। ये है रचनास किचन की एक टिप। फिर इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें हरा धनिया। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी टिप, जिस कटोरी के माप से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी के माप से हम पानी भी लेंगे, और पानी हम लेंगे डबल। जैसे कि हमने एक कटोरी चावल लिया था तो पानी हम लेंगे डबल। आप देख सकते हैं मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप ये जीरा राइस बनाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके राइस जो हैं वो बहुत ही खिले खिले बने, तो पानी का माप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसको एक स्टर दे के अब मैं इसको थोड़ा सा उबाल आने दूंगी। आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है, गैस फुल पे थी और उबाल आ गया था। अब मैंने एक तवा लिया है और उस तवे को मैं रखूंगी गैस पे, और ये भगोना अब इस तवे पे हम चढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि हम इसे दम दे करके बनाएंगे चावलों को। चावल ऑलरेडी 80% पक चुके थे तो दम के लिए 10-12 मिनट बहुत हो जाएंगे। 10-12 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे चावल भी रेडी हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस दाल फ्राई हो और जीरा राइस हो तो क्या कहने, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशबू आ रही है, हर चीज़ की, यानी घी की, इलायची की, हरे धनिए की, सभी चीज़ों की एक साथ एक कॉम्बिनेशन तैयार है। और हमारे यमीलिशियस जीरा राइस रेडी हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले और बढ़िया बने हैं, और इनको आप इंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने आपके जीरा राइस मेरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और इंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।